कुआं भी बहुत पुराना है गाइज। जब हम लोग ट्यूशन में थे तो सरस्वती पूजा होता था, तो यहीं पे हम लोग आके पानी यहीं से लेते थे। छठ में भी यहीं से पानी यूज किया जाता है। और इसमें एक मछली है गाइज, अभी ऊपर नहीं आ रहा है, छोटे ही सा कुआं है। वो देखिए मछली दिख रहा आपको? वो देखिए अभी छोटा सा मछली है, पर उसी का बच्चा होगा मछली का। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सो गाइज, आज आपको व्यू दिखाने वाले हैं मंदिर का, कि कहाँ कैसे भोले बाबा का पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे और कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा मंदिर गए। आपको पता ही होगा कि सावन का दूसरा सोमवार है, तो चलिए आपको व्यू दिखाते हैं कहाँ कैसे पूजा किया जा रहा भोले बाबा का। तो गाइज, आज दूसरा सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, मंदिर जा रहे हैं भोले बाबा का। ये देखिए, ये बहुत पुराना मंदिर है हम लोग का एरिया का। देखिए, दिख रहा होगा आपको, मंदिर आ गए हैं। ये देखिए, यही मंदिर है, ऊपर में शिव भगवान है। आज थोड़ा कम भीड़ है। पहला सोमवार को ज्यादा भीड़ था। बचपन में हम लोग यही मंदिर आते थे। अभी तो इतना मंदिर हो गया है कि देखिए भोले बाबा का आज गर्मी भी बहुत लग रहा है। अभी उतना भीड़ नहीं है, खाली है पूरा, आराम से सब आके पूजा पाठ कर ले रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ भी भोले बाबा का पूजा हो रहा है। काली मंदिर है और शिव मंदिर भी है, दोनों हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, सावन का दूसरा सोमवार है, भोले बाबा का पूजा अर्चना किया जा रहा है। आज लेकिन उतना भीड़ नहीं है गाइस, अच्छा है, खाली खाली है, आराम से सभी को मौका मिल रहा पूजा करने का। आज आपको सब मंदिर का दिखाएंगे व्यू, जितना मंदिर है वहाँ का व्यू दिखाएंगे। भोले बाबा का पूजा पाठ हो रहा है आज। हम
लोग का इधर जितना शिव मंदिर है आपको दिखाएंगे आज वहाँ का दृश्य। और एक तारीख को गाइज ये देखिए सावन महोत्सव जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है हमारे पूर्व सीएम रघुवर दास के द्वारा, तो आप सभी भी शामिल होइएगा इस यात्रा में। ये देखिए एक तारीख को है गाइज तीसरा सोमवार को, आप सब भी शामिल होइएगा इस यात्रा में हमारे पूर्व सीएम रघुवर दास के द्वारा, ये करवाया जाता हर साल, तो आप भी आइएगा। ये देखिए गाइज ये हमारा यहाँ भीड़ है ज्यादा, यहाँ थोड़ा भीड़ दिख रहा है, भीड़ भाड़ से दिखा देते हैं आपको। Expand, develop, mature, progress, grow, change. देखिए अंदर भीड़ है, नंदी बाबा का पूजा किया जा रहा है। सैंडल्स और साड़ी, गेट एनीथिंग ऑन फ्री डिलीवरी, आखिर अपना मीशो है ना, डाउनलोड नाउ। देखिए आप देख सकते हैं भोले बाबा का पूजा अर्चना किया जा रहा है। आप बताइए गाइस कि आप कौन सा मंदिर में पूजा करते हैं। यह है हमारा प्राचीन शिव मंदिर, इससे बहुत पुराना नाता है गाइज, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ हम पहले ट्यूशन आते थे बचपन में, जब 5-6 में थे ना गाइज तो यही ट्यूशन आते थे। देखिए भोले बाबा, हर हर महादेव। Okay.
प्राचीन शिव मंदिर है, वो देख रहे गाइस, उधर ही हम ट्यूशन पढ़ते थे पहले, अभी पता नहीं क्या है अभी, लेकिन पहले यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाया जाता था। देखिए रूम सब कैसे हो गया है, अभी पूरा एकदम अजीब तरह का हो गया है, पहले कितना अच्छा था, यही रूम में हम लोग बैठते थे, इसमें सब में ट्यूशन था। वहाँ पे हम लोग का जो टीचर है उनका ऑफिस था और ये सब रूम में हम लोग पढ़ते थे, अभी भी वैसी है। चलिए आपको भोले बाबा के दिखाते हैं। देखिए महादेव, तो बहुत अच्छा हो गया गाइस, पहले कैसे था मंदिर, अभी पूरा मार्बल लग गया है, देख सकते हैं आप, ऊपर में भी है मंदिर, भगवान सबका मूर्ति है ऊपर में, और यहाँ भोले बाबा का है। चलिए आपको थोड़ा अंदर से दिखा देते हैं, कुआं भी बहुत पुराना है गाइज, जब हम लोग ट्यूशन में थे तो सरस्वती पूजा होता था तो यहीं पे हम लोग आके पानी यहीं से लेते थे, छठ में भी यहीं से पानी यूज किया जाता है। और इसमें एक मछली है गाइज, अभी ऊपर नहीं आ रहा है, छोटे ही सा कुआं है, वो देखिए मछली दिख रहा आपको, वो देखिए अभी छोटा सा मछली है, पर उसी का बच्चा होगा मछली का। वो देखिए छठ होता है गाइज, छठ यहीं पे होता है। बहुत अच्छा लग रहा गाइज आज, Thank you.